हेलो स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ रहे थे इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। और ये हमने पूरा कर लिया था, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हमने निकाली थी, ठीक है, और तीनों हमने कंप्लीट कर ली थी। तो हमने पहले समझा था कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, फिर उसका ग्राफिकल मेथड हमने फाइंड आउट कर लिया था, जिसमें तीन इक्वेशन निकाली थी। पहली इक्वेशन हमने ऊपर वाले ट्रायंगल से निकाली थी, दूसरी इक्वेशन हमने पूरे शेडेड पोर्शन के एरिया निकाल करके निकाली थी, है ना, और तीसरी इक्वेशन हमने सेकंड इक्वेशन में टाइम की वैल्यू रख करके, जो कि कहाँ से मिलती है, इक्वेशन फर्स्ट से, उसको रख करके हमने निकाली थी, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों इक्वेशन हम फाइंड आउट कर चुके थे। आज इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा, ताकि उससे ये रहता है कि टॉपिक समझ में आ गया, ठीक है। तो न्यूमेरिकल करना या क्वेश्चन करना किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वो बहुत जरूरी होता है। टेंथ तक तो आपकी पार पड़ गई, हालांकि टेंथ में भी आपने क्वेश्चन तो किए ही थे, है ना, पर हर टॉपिक से रिलेटेड नहीं किए होंगे, ठीक है। लेकिन अब आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है, डेरिवेशन ही डेरिवेशन आएंगे, कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट आएंगे, ठीक है, तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। और ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, पढ़ाई में कंसिस्टेंसी रखोगे तो आराम से समझ में आएगा। क्वेश्चन है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम, क्वेश्चन लिख देती हूँ, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड इट्स वेलोसिटी इज 30 meters per second आफ्टर 12 seconds, यानी कि 12 seconds के बाद इसकी वेलोसिटी 30 meters per second हो जाती है, और स्टार्टिंग में कितनी है, रेस्ट पोजीशन में है, मतलब जीरो है, ठीक है। क्वेश्चन है आगे, फाइंड आउट द, फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन, ठीक है, दूसरा आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि कितनी डिस्टेंस कवर्ड होगी, ठीक है, और सी आपको फाइंड आउट करना है वेलोसिटी, वेलोसिटी आफ्टर 7 seconds, यानी कि 7 seconds के बाद वेलोसिटी कितनी होगी। तो क्वेश्चन है कि एक कार है जो रेस्ट पोजीशन से चलना शुरू करती है, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो, और बाद में 12 seconds के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है 30 meters per second या 30 meters per second। आपको फाइंड आउट करना है कितना एक्सेलरेशन होगा, कितने डिस्टेंस कवर की जाएगी, और वेलोसिटी 7 seconds के बाद कितनी हो जाएगी, ठीक है, आराम से कर लोगे। सबसे पहला आपको फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन, ठीक है। आपको ये पता है, सिंस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, पढ़ी थी ना, कल ही पढ़ी है हमने। तो ये यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ए क्या है, एक्सेलरेशन, टी क्या है, टाइम, मुझे क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकाल लो ना इस इक्वेशन से, एक्सेलरेशन कितना आएगा, यू को इधर ले जाओ, बी माइनस यू, टी नीचे आ जाएगा, हमें वी भी पता है, यू भी पता है, टी भी पता है, देखो ना, बी तो दे रखा है 30 meters per second, यू दे रखा है जीरो, और टाइम कितना दे रखा है, 12 seconds, ठीक है। उसने कहा है कि 12 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, ठीक है। तो एक तरीके से सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि एक कार है ना, तो शुरू में तो इसके लिए u बराबर जीरो है, इसने क्या किया, चलना शुरू किया, तो 12 सेकंड के बाद ये टाइम इसने कितना कवर कर लिया, t बराबर 12 सेकंड, ये पूरा जो टाइम पीरियड था इस पूरे रास्ते के दौरान टाइम पीरियड इतना था। अब वो उसकी वेलोसिटी v कितनी हो जाती है, 30 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो पहले थी u बराबर जीरो, फिर 30 हो जाती है, कितने टाइम में होती है, 12 सेकंड में, एक्सेलरेशन पता लगाना है आपको, ठीक है। तो अब क्या कहोगे, सिंस v इज इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर वन डाल दो इसको, v कितना है आपका 30 मीटर प्रति सेकंड, और u कितना है आपका जीरो, है ना, और t कितना है आपका 12 सेकंड, रख दो यहाँ पे इक्वेशन वन में, पुट इन इक्वेशन वन, a कितना आ जाएगा, v की जगह पर 30, u की जगह पर जीरो, t की जगह पर 12, तो कितना आ गया, 6 से काट लो, 6 × 5 = 30, 6 × 2 = 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको पता है ना, यही तो यूनिट होती है एक्सेलरेशन की, ठीक है। तो ये हमारे पास 5/2 कह दो,
या 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, एक ही बात है। तो पहला क्वेश्चन डन, पहला क्वेश्चन था एक्सेलरेशन निकालने का, हमने निकाल दिया, ठीक है। बी, बी क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो भाई हम जानते हैं सेकेंड इक्वेशन बताती है डिस्प्लेसमेंट को, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि जब भी आपसे डिस्टेंस पूछे तो आप समझ जाओ कि वो सेकेंड इक्वेशन यूज कराना चाह रहा है, अगर आपको टाइम पता है। अगर टाइम नहीं पता फिर भी आपसे डिस्टेंस पूछिए तो थर्ड इक्वेशन काम में लेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड से काम चल जाएगा, क्योंकि मुझे यू पता है, टी पता है, ए भी पता है मुझे, ठीक है। तो मेरे पास एक्स कितना आ जाएगा, यू की जगह पर तो आप जीरो रखोगे, टी प्लस हाफ, ए कितना है 2.5, या 5 बाई 2 लिख दूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। टी स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, ये टर्म तो जीरो हो गई हमारी, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, ये दो दूनी चार, ये कितना है 12 इंटू 12, चलो पूरा कर देती हूँ, दो दूनी चार और ये आ गया 12 इंटू 12, चार तिया 12, 12 पंजे 60, इतना आ गया 180 मीटर डिस्टेंस आ गई आपके पास, कि 12 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, यानी कि ये वाली डिस्टेंस आ गई आपके पास, ये डिस्टेंस कितनी आ गई 180 मीटर, समझ में आ गई। समय कितना लगा इसमें 12 सेकंड, वेलोसिटी यू थी, वी हो गई, ठीक है। तीसरा डन, सेकंड क्वेश्चन भी डन, सेकंड क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछी थी, फॉर्मूला में रख दिया, हमारे पास डिस्टेंस आ गई, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आपका थर्ड, यानी कि सी, सी क्या कह रहा है, वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकंड, ठीक है। नंबर सी हमारा है वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकंड, यानी कि 7 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब 12 सेकंड के बाद तो उसने दे रखी है 30 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन जैसे ही उसने चलना शुरू किया तो 0 1 2 3 4 5 6 7 7 सेकंड कहीं यहाँ हो जाएंगे। तो आपको पता लगाना है कि जब वो 0 से 7 सेकंड पर पहुंचेगा तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यानी कि आपको 7 सेकंड के बाद फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आपके पास बी, आपको फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला, अगर आपको टाइम दे रखा हो तो v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी, ठीक है। सिंस v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी हम जानते हैं, तो हमें निकालना है v, है ना। ये तो रेस्ट पोजीशन में है, ये तो जीरो ही है। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन तो फिक्स है 2.5, यानी कि 2.5, और टाइम कितना है आपके पास 7 सेकंड के बाद, आपको निकालना है 7 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी। तो v इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 35, 7 2 14 और 3 17, ठीक है, 17.5 मीटर प्रति सेकंड, बात समझ में आ गई आपको। तो ये आपकी तीसरा क्वेश्चन भी डन, समझ में आ गई। तो एक क्वेश्चन में हमने तीन क्वेश्चन कर लिए, यानी कि हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया, फाइंड आउट कर लिया, हमने डिस्टेंस कितनी कवर की जाएगी वो फाइंड आउट कर ली, और वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकंड होगी कितनी वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया, समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन इसी तरीके के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको आने चाहिए ताकि इससे पता चल जाए कि क्वेश्चन आपका हो रहा है तो आपका टॉपिक कितना क्लियर है, ठीक है। चले अब नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं आपका, और वो है रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, कि रिलेटिव मोशन है ना। जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है रिलेटिव मोशन, ठीक है। रिलेटिव मोशन का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में। जैसे आप सभी ट्रेन में बैठे हो, है ना, ट्रेन में नहीं तो बाइक पे या कार में तो बैठे ही होगे, तो आपने देखा होगा कि जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ती है, स्पीड पकड़ लेती है, या फिर थोड़ा सा भी चलती है, तो आपको ऐसा लगता है कि जो आपके साइड में जो पेड़ पौधे हैं, जो सड़क है, वो आप देखते हो कि वो पीछे की साइड मूव करते दिखाई देते हैं। आप तो आगे जा रहे हो, लेकिन बाकी चीजें जो सड़क के कॉर्नर्स पे होती है वो आपको पीछे चलती हुई दिखाई देती है, जबकि मोशन आप कर रहे हो, वो रास्ता थोड़ी ना मोशन कर रहा होता है, या जो कॉर्नर साइड पे जो पेड़ पौधे या घर होते हैं, सड़क होती है, वो थोड़ी ना मोशन कर रहे होते हैं, मोशन तो आप कर रहे होते हो, लेकिन फिर भी आपको क्या दिखाई देता है कि चीजें पीछे जा रही हैं आपके आगे बढ़ने से, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
तो इस तरीके से दो चीज़ों की जो गति है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, वो क्या कहलाती है? रिलेटिव मोशन। इसके अलावा आपने देखा होगा कि मान लो दो गाड़ियाँ एक साथ जा रही हैं, एक गाड़ी जा रही है, दूसरी गाड़ी उसके साथ में जा रही है, रोड पे है तो हमारी गाड़ी थोड़ी ना चल रही होती है, हमारे साथ और भी बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर सभी गाड़ियों की जो मोशन या वेलोसिटी देखी जाती है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखी जाती है, ठीक है। यानी कि सपोज करो मैं गाड़ी पर जा रही हूँ, साइड में एक और गाड़ी जा रही है, अगर उसकी वेलोसिटी मुझसे कम होगी तो वो पीछे रहेगी और मेरे से ज़्यादा होगी तो आगे निकल जाएगी, तो उस टाइम पर मेरी वेलोसिटी कुछ ना कुछ इस गाड़ी के रेस्पेक्ट में होगी और गाड़ी की वेलोसिटी इस मेरे रेस्पेक्ट में कुछ ना कुछ होगी। तो वो एक ऑब्जेक्ट की मोशन दूसरे के रेस्पेक्ट में देखी जाती है, उसे क्या कहा जाता है? रिलेटिव मोशन। तो आप इसको कैसे कहेंगे? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रिलेटिव मोशन। यानी कि सापेक्षीय गति या आपेक्षिकीय गति आप इसे कह सकते हो, तो ये क्या कहलाती है? आपकी रिलेटिव मोशन, यानी कि एक की वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में, ठीक है। जैसे सपोज करें, जैसे अच्छा एक एग्जांपल आप और वो भी ले सकते हो, ट्रेन और प्लेटफॉर्म का। ट्रेन आगे जा रही है तो आपको लगता है कि प्लेटफॉर्म पीछे मूव कर रहा है ना, तो ये सारी मोशंस कैसी होती है? रिलेटिव। दो आपने देखा होगा कभी कभी हमारी ट्रेन जा रही होती है, उसके साइड वाली पटरी से दूसरी ट्रेन भी जा रही होती है, तो कभी कभी अगर आपकी ट्रेन जो है सपोज करो बहुत तेजी से जाती है तो वो मोशन कैसी होती है? रिलेटिव। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी ट्रेन रुकी हुई होती है लेकिन साइड में जो ट्रेन खड़ी हुई होती है वो धीरे से चलना शुरू करती है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी गाड़ी भी चल रही होती है, ऐसा महसूस होता है ना ट्रेन में बैठे हुए होते हैं तब, तो वो किसकी वजह से होता है? रिलेटिव मोशन की वजह से महसूस होता है। कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं कि हमारी चलना शुरू हो गई या फिर वो चल रही है, थोड़ी देर बाद पता चलता है कि हम तो वहीं हैं, वो दूसरी वाली गाड़ी गई है, तो ये रिलेटिव मोशन की वजह से होता है, ठीक है। तो ये डेली लाइफ के हमारे ऑब्जर्वेशन होते हैं बट हम इनको देख नहीं पाते, कभी महसूस नहीं करते, तभी तो हम इसको फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स का मतलब है आसपास का विज्ञान या भौतिक विज्ञान, ठीक है। चले इसको समझने के लिए मैं दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रही हूँ, है ना। एक तो है मेरे पास S और एक है मेरे पास S डैश, ठीक है। यहां पर मेरे पास कोई बिंदु है P, ठीक है। तो इस बिंदु P का कुछ ना कुछ पोजीशन कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, और पोजीशन कोऑर्डिनेट इसका भी होगा और पोजीशन कोऑर्डिनेट इसका भी होगा, ठीक है। मतलब मेरे कहने का ये है, ये सीधी लाइन जैसा दिख रहा है पर ये सीधी लाइन है नहीं, ठीक है। मतलब मैं आपको ऐसा करो, आप इस वाले डायग्राम को रहने दो, इसको करेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ देखो, एक है S, दूसरा है S डैश, पॉइंट यहाँ है, ठीक है। तो ये है पॉइंट P, ये है O और ये है ये O डैश और ये O। तो O डैश P जो है वो क्या है? पोजीशन वेक्टर है P का O डैश के रेस्पेक्ट में। ये O डैश क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ O डैश, यानी कि इस S डैश फ्रेम का इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। और OP क्या है? पॉइंट P का ही है लेकिन O के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो आपको तीन क्या दिख रहे होंगे? पोजीशन वेक्टर दिख रहे होंगे, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया आर नॉट, इसको मैंने नाम दे दिया आपको आर डैश और इसको मैंने नाम दे दिया आर। बात समझ में आ गई? पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर तो आप जानते ही होंगे, पढ़ा भी होगा आपने, नहीं पढ़ा तो मैं बता देती हूँ, हालांकि आपका और भी आगे आएगा डिटेल में पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर एक तरीके का वेक्टर या सदिश होता है जिसमें किसी बिंदु की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष देखी जाती है। तो इस बिंदु P की O डैश मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति है वो है R डैश, इस बिंदु P की O के सापेक्ष स्थिति कितनी है R, और इस O डैश की O के सापेक्ष स्थिति कितनी है R नॉट। समझ में आ गई बात आपको? तो आप यहाँ पे बता देना, पोजीशन वेक्टर की एक छोटी सी डेफिनेशन मैं बता देती हूँ, वहां भी बता देंगे, हालांकि नोट हो गया ये आपका। दिस इज अ वेक्टर बाय विच
पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड विद रेस्पेक्ट टू ओरिजन. ठीक है, ओरिजन के रेस्पेक्ट में देखी जाती है. तो डायग्राम में हमें दिख रहा है कि ओ ओ डैश, इसको वेक्टर से ऐसे दिखाया जाता है, कितना है आर नॉट वेक्टर, ओ डैश पी कितना है आर डैश वेक्टर, और ओ पी कितना है आर वेक्टर. समझ में आ गई बात आपको? तो इससे हमें एक इक्वेशन मिलती है और वो कहलाती है हमारी आर वेक्टर, आर डैश इज इक्वल टू आर माइनस आर नॉट. यानी कि ये जो आर डैश आता है वो किसके बराबर आता है, आर माइनस आर नॉट. अब ये कैसे आता है इसको मैं बताऊंगी जब आपको वेक्टर्स पढ़ाऊंगी, तो वहां पे ट्राइंगल लॉ यानी कि त्रिभुज नियम समझाऊंगी, वहां पे आपको समझ में आएगा कि इस डायग्राम से ये इक्वेशन कैसे आती है. ठीक है, तो फिलहाल तो आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर लो. ठीक है, वहां पे आपको डिटेल में बताऊंगी कि किस तरीके से इक्वेशन आती है, क्योंकि ये चैप्टर आपका है बाद में. ठीक है, इसलिए मैं आपको इसमें नहीं बता रही हूँ. ठीक है, तो आर डैश इज इक्वल टू आर माइनस, अब ये क्या है आर माइनस, पोजिशन में से पोजिशन घट रही है तो पोजिशन मिल रही है, तो ये क्या है रिलेटिव पोजिशन. ठीक है, तो आपको इस इक्वेशन नंबर वन डाल देना, तो आप क्या कहोगे, इक्वेशन वन रिप्रेजेंट्स द रिलेटिव पोजिशन ऑफ पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू एस एंड एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एफ ओ आर का मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस. समझ में आ गई? और इसके आगे मैं आपको कल बताऊंगी रिलेटिव मोशन, मतलब रिलेटिव पोजिशन हो गई, रिलेटिव वेलोसिटी बताऊंगी कल, और रिलेटिव एक्सेलरेशन बताऊंगी. ठीक है, ओके, थैंक यू.